मैं थाने में हूं या ना हूं, कम से कम तुम लोगों को तो काम सही करना चाहिए। सर गलती हो गई। हमें गलतियों की नहीं, काम करने की तनख्वाह मिलती है। अगर आइंदा के बाद कोई गलती हुई ना तो मैं बात आगे तक पहुंचा दूंगा। आओ बेटा आओ, जाओ अपना काम करो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। ये अंबर है, आसिम की बहन। इसे जबरदस्ती क्यों ले आए आप? मैं इसे जबरदस्ती नहीं लाया, ये अपनी मर्जी से आई है। अच्छा, ये आपको बताएगी कि मेरा बेटा बेकसूर है। इसके भाई आसिम ने जो मेरे बेटे के खिलाफ दरख्वास्त दी है वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। दरवाजा नहीं। हाँ बेटा सच बताओ। इनके बेटे के खिलाफ मेरे भाई ने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो कुछ भी गलत नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इनका बेटा मेरा गुनाहगार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इंस्पेक्टर साहब, एहसन जैसे मर्दों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। रुको लड़की, तुम क्या समझती हो? तुम जो कुछ अंदर कहकर आई हो ऐसा मैं होने दूंगा? तीन लड़कियों के बयान के बाद आपको लगता है कोर्ट आपके बेटे के फेवर में कोई फैसला सुनाएगा? बात अगर कोर्ट तक गई ना तो याद रखना कि मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या कर सकते, करके दिखाइए। ऐसी जगह गायब करूंगा कि तुम्हारी हक तक नहीं मिले। हिम्मत हो ना, कोशिश जरूर कीजिएगा। आपका किया आप ही के गले का फंदा ना बना दिया ना, मेरा नाम भी अंबर नहीं, तुम्हारा नाम और निशान तक बाकी नहीं रहेगा। मुझे धमकाइएगा नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो डर के पीछे हट जाए। तो मैं समझ गया हूँ कि ना तुम डरने वाली हो ना झुकने वाली। मेरी बात याद रखना, जब तक मेरा बेटा अंदर है मैं तुम्हें भी आजाद नहीं रहने दूंगा। आज के बाद हाथ नहीं लगाना वरना आपके बेटे के साथ आप ही को अंदर करवा दूंगी, समझे? अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ ज्यादा काम नहीं था। क्या बात है आसिम, आप परेशान लग रहे हैं।
नहीं, बात तो कोई नहीं। अंबर के केस के बारे में तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं। मसरूर रसूख वाले लोग हैं, अपने बेटे का केस खत्म करवा के उसे इजीली छुड़वा सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा। नैसिन के खिलाफ दो और लड़कियों ने वही रिपोर्ट करवाई। क्या वाकई? घटिया लड़का है। उसको सजा से अब कोई बचा नहीं सकता। आओ संबित। आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, बस ज्यादा काम नहीं था दफ्तर में, सोचा घर आ जाऊं, तुम लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। अंबर कहाँ? वो अपने कमरे में नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आई थी कि शायद भाभी के साथ होगी। नहीं नहीं, अंबर यहाँ तो नहीं है। अम्मी के पास होगी, मैं जाके देखती हूँ। आप रहने दें, मैं देख लेती हूँ। आसिम, आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताएं। कोई बात नहीं नया, मैं चेंज कर लूं। चलो मेरे साथ, चलो बस जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाओ? मैं चलो अंबर, बर्बाद करने के बाद आप सोचती हैं कि अंबर बस फरमाबरदार बन जाएगी? चलो, देख लिया तुमने क्या किया इस घर को। जब से तुम इस घर में आई हो ना, एक के बाद एक अजाब आता रहा है मेरे घर में और खानदान में। देख लो हमारा हाल। मैं तुम्हें जान चुकी हूं, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी।